मिस्ट्री यार, मिस्ट्री है, इट्स रियली मिस्ट्री. एट लास्ट यू आर कमिंग टू नो लाइक कि मतलब हु इज लाइव एंड हु इज नॉट लाइव. तो ये जो गाना है ये है इमरान साहब का, सिंगर नेम इज इमरान. पहले भी मैं दो गाना देख चुका हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त सिंगर है. तो होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और जो आप लोग देख रहे हो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. तो नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज सुमन एंड ही इज माय फ्रेंड सैयद उमर फ्रॉम हैदराबाद. मरहबा दोस्तों. तो विदाउट एनी फर्दर अडू वी आर गोइंग टू स्टार्ट. गाने का नाम है, एक मिनट, गाने का नाम है फायर आशो ना. फिर आशो ना, ओह सॉरी, ऐसा है क्या? हाँ अच्छा अच्छा. तो व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग इज, सुन के अपन समझ में आएगा या इज इट अ रॉक? तो नॉर्मली ये गाना तो मैंने देखा नहीं. अच्छा. तो ये सिंगर का गाना मैंने जो पहले सुना है तो रोमांटिक गाना ही ज्यादातर होता है. तो अच्छा, मतलब रोमांटिक होने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि अब तक दो या तीन गाने देख चुके हैं उनका. बहुत पहले देखा हूँ, भी रिसेंटली नहीं देखे. अच्छा. तो बहुत सारे रिकमेंडेशन आ रहे थे, तो वी आर गोइंग टू रिएक्ट टू दिस सॉन्ग. सो प्लीज वॉच विद अस, स्टे विद अस. हाँ, पूरा देखेंगे, इसके बाद विल टॉक. ओके, बजा स्टार्ट. Cool. कैसा है? हाँ, क्या बात है. लड़की तो ब्यूटीफुल है भाई, ये तो मानना पड़ेगा. लड़की तो ब्यूटीफुल है, ये तो मानना पड़ेगा. क्रिएटिव. कतटा कठिन बाचा तुमि आधार विलीन स्वप्ने रहाय थेमे जीवन आछे एखन बाचार फিরে আসো না আর তো পারি না বাঁচি চলো না আবার একসাথে. কমাল কত
That is super creative. Wow. Madam, last tak suspense tha yo. I mean, what exactly still I was assuming. Mera gaane ka matlab chahiye se aap farmaish kare, matlab fans ki farmaish thi ke you know ye gaane pe matlab react karne ke liye and so I was listening very quietly the song like how exactly you know from starting se jaise ja raha tha. I thought of like it was a romantic song. I was wrong. I mean, it's deep, yeah. It's too deep. You know, एक सिंगर की जो मतलब यू नो हिज थॉट्स उसकी जो दिल की बात है आई मीन ही वांटेड टू कम्युनिकेट समथिंग एंड यू नो इट्स वेरी मिस्ट्री यार मिस्ट्री है इट्स रियली मिस्ट्री एट लास्ट यू आर कमिंग टू नो लाइक कि मतलब हु इज लाइव एंड हु इज नॉट लाइव You know, it's very natural. Video बहुत creative था. बहुत creative. First thing मुझे एक जगह तो बहुत खतरनाक creativity लगा. वो सोई हुई है और side में TV चल रहा है. मतलब like this is back side right? नीचे हम लोगों का bed है. लेकिन यहाँ पे हम लोग सोते नहीं. सोते यहाँ इस side पे सोते हैं. लेकिन ये यहाँ पे सोई हुई है. यहाँ पे TV चल रहा है और singer और जो actor है ये इधर ही चल रहा है. और यहाँ पे टीवी चल रहा है और जो लाइटिंग वगैरह है जो लाइट्स है वो भी इधर ही है मतलब इस एंगल पे है तो मतलब टोटल डायमेंशन चेंज है बोल सकता है That exactly, but जैसे कि मतलब heroine you know she was completely intoxicated or what I mean जिस तरह से वो बेहोश थी या वो I mean not to say but वो जैसे दिखाया जा रहा था what was depicted in the video what I was thinking like she was dead लेकिन I mean as a sudden what I see is like total mystery फिर जैसे hero side में मतलब सो जाता है and she gets up and I mean her soul gets up इट्स ऑल अबाउट सोल मतलब इंसान जो भी है पूरा उसकी जो रूह है उस पर डिपेंड करता है सब कुछ आपको शायद लग रहा होगा हम लोग ज्यादा बात कर रहे हैं बट ऐसा वीडियो होगा तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ज्यादा बात कर ही लेंगे मतलब ऑब्वियसली इसमें बहुत कुछ है बोलने के लिए लेकिन फिर भी वी आर ट्राइंग टू मेक इट शॉर्ट एंड शॉर्ट बट स्टिल देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू टॉक It was all a missing case, you know, like he was feeling and the whole feeling of the musician, you know, director or the singer, you know, all coordinated well and even the videography, I would definitely give a salute to the videography, it was really creative. बहुत ही अच्छा लगा यारों मेरे को दिल से अच्छा लगा और आप लोग की फरमाइश वाकई में अच्छी थी और सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा आई मीन आई रियली लाइक्ड इट अच्छा लगा गाने का बेस गिटार एवरीथिंग आई लाइक्ड इट इट वॉज गुड ठीक है समथिंग डिफरेंट अदर देन दी कॉमन लव स्टोरी लव सॉन्ग्स थोड़ा हट गया था दिस वाज यू नो समथिंग इट टच्ड समवेयर सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड आज के लिए इतना ही टिल देन बाय बाय बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज गिव अस अ बिग थम्स अप थम्स शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड टिल देन बाय बाय टेक केयर अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज़ स्टे ट्यून्ड गाइस फिर से हम मिलेंगे